हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का एनसीईआरटी की बुक से थर्ड चैप्टर है ईवीएस का, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ओके, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपके एग्जाम्स में ही आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इनको याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। तो ठीक है, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, बट चैनल को सब्सक्राइब अब भी कर लीजिएगा, ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इसको देखना शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्या है, वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो। तो हम जो है ना डिफरेंट काइंड का खाना खाते हैं एनर्जी के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए, मीन्स अपने आप को बड़ा करने के लिए। इसी की लाइन जो है हम बहुत सारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सेकेंड क्लास से ही ये पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द फूड वी कैन नॉट बी यूज बाय द बॉडी एज इट इज। जो हमारी बॉडी होती है, जिस फूड को हम खाते हैं, वो अपने आप उसको यूज नहीं कर सकती है। ओके, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। देखिए वो प्रोसेस क्या क्या होता है, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म दैट द बॉडी कैन यूज़। उसको बॉडी जो होती है हमारे फूड को, वो कैसे डाइजेस्ट अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर पाती है जब तक वो सिंपलर और सॉल्युबल नहीं हो जाता है। सिंपलर मतलब बॉडी के लिए वो आसान हो, और सॉल्युबल मतलब उसके अंदर मिक्स हो जाने वाला हो बॉडी के अंदर। उसका क्या प्रोसेस होता है उसको हम नेक्स्ट सीखेंगे। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इंटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, जो खाने को ब्रेक डाउन करने का जो फॉर्म होते हैं ना, उसको जो तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ओके, डाइजेशन, हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं हम किस तरीके से, वो पूरा का पूरा इसमें प्रोसेस है। ये लाइन टू लाइन है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही इसके अंदर दिया हुआ है, तो मैं आपको आगे का पहले से नहीं बताऊंगी, आप इसको डिटेल में जानिए। ओके, तो सलाइवा इज़ अ लिक्विड सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड इन द माउथ। सलाइवा क्या होता है, आपने देखा हो आपके मुँह के अंदर जैसे कुछ बनता है ना, आपका मुंह अपने आप गीला गीला सा हो जाता है, वही सलाइवा होता है, वह लिक्विड होता है, सीक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है, माउथ में जो है वो माउथ में होता है, उसी से हमारा सलाइवा बनता है। सलाइवा किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, देखिए टंग इज के मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स टू मूव द फूड इन द माउथ एंड टेस्ट इट। जो हमारी टंग होती है, ऑर्गन होती है, हम अच्छे से सिखाते हैं, हमारी टंग क्या होती है, ऑर्गन होती है, वो क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है वो हमारी, और वो हमारी हेल्प करती है हमारे फूड को क्या करने में, हमारे मुँह के अंदर जाने में और उसको टेस्ट करने में। हमारी टंग के थ्रू ही हम अपने जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम टेस्ट कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई फोर टेस्ट। तो हो टंग जो होती है उसमें कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसमें होते हैं टेस्ट बर्ड्स फोर। वो कौन कौन से होते हैं, सॉल्टी, स्वीट, सॉर एंड बिटर। सॉल्टी मीन्स नमक, मीठा, सॉर मीन्स खट्टा, और बिटर मीन्स कड़वा। कोई भी चीज़ जैसे मीठी है, खट्टी है, या नमकीन है, या कड़वी है, हमें कैसे पता लगता है, वो हमें हमारी टंग के थ्रू ही पता लगता है। अगर हमारी टंग से ही हमें पता लगता है कि कोई भी चीज़ खट्टी है या मीठी है जब भी हम उसको खाते हैं। ओके, एट जो इसमें पॉइंट है वो है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग कुड फील सॉल्ट एंड स्वीट टेस्ट। आप कभी भी कोई भी चीज़ खाएंगे तो आप सबसे पहले उसको फर्स्ट जो टंग का पार्ट होता है ना, जो इस तरीके से हमारी टंग होती है, तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर उसके रख करके देखिएगा, आपको सबसे पहले पता चलेगा कि चीज़ हमारी सॉल्टी है या फिर स्वीट है। जो मिडल पार्ट होता है जो टंग का, ये वाला जो मिडल पार्ट होता है, वहाँ पर हमें क्या होता है, वी कुड फील सोर, यानी कि जो खट्टा होता है हम उसको यहाँ पर हम टेस्ट कर पाते हैं। द इनर मोस्ट यानी कि जो लास्ट वाला जो ये पार्ट्स होते हैं, इसमें हम बिटर टेस्ट यानी कि जो कड़वा वाला जो टेस्ट होता है उसको हम फील कर पाते हैं। सो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग कुड फील बिटर टेस्ट। ओके, टीथ गिव शेप टू द फेस। जो हमारे टीथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे फेस को वो एक शेप देते हैं, जिससे कि हमारा फेस जो होता है वो देखने में अच्छा लगता है। एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड, और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ने में, क्योंकि जब भी हम खाते हैं तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा खाते हैं ना, जैसे रोटी खाई है आपने, तो वो रोटी सीधे आपके पेट के अंदर नहीं जा सकती है, उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको आपको चबाना पड़ेगा अच्छे तरीके से। तो हम दांतों के थ्रू ही उनको चबाते हैं और फिर उनको खाते हैं। टीथ चू एंड ग्राइंड द फूड,
और जो दांत होते हैं उससे हम अपने खाने को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, मतलब चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मीन्स आपने ग्राइंड सुना होगा ना, मिक्सी में चला देते हैं किसी भी चीज़ को, सेम उसी तरीके से वही प्रोसेस हमारे मुँह में अपने आप होता है। ठीक है, तो हमारा जो फूड होता है उसमें ग्राइंड भी हो जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं, ये आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में आपके टीचर्स ने, या फिर जैसे कि आपके जो भी टीचर होंगे उन्होंने ये करवाया होगा ज़रूर। आप पूरा का पूरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाता है, जिसमें कि हम पूरा अपना बॉडी का वो बनाते हैं, बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का, हम उसको ड्रॉ करते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनिस। ओके, ये सब चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हम उसमें इसको ड्रॉ करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कई कई बार तो ये एग्जाम्स में भी आता है, तो आपको वो आना भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सलाइवा मेक्स द फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्टन। जो सलाइवा होता है, सलाइवा क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, सलाइवा जो भी हमारे मुँह के अंदर लिक्विड बन रहा होता है ना, आप बात करते हो तो कभी कभी आपने देखा होगा लिक्विड सा बन जाता है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो लिक्विड बन जाता है, उसको हम सलाइवा कहते हैं, वो सलाइवा होता है। तो वो हमारे फूड को जो है मॉइस्ट करता है और सॉफ्ट कर देता है, इट सॉफ्ट इट एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट द स्टार्च प्रेजेंट्स इन द फूड इनटू शुगर। और जो फूड के अंदर शुगर होती है, शुगर के, तो उसको वो प्रेजेंट करता है स्टार्च के रूप में, स्टार्च बना देता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, द फूड फ्रॉम द माउथ गोज थ्रू द फूड पाइप। जो हमारा फूड होता है वो कैसे जाता है, फूड पाइप होता है हमारा ना, जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, हमारा जो फूड होता है वो फूड पाइप होता है इस तरीके से, उसके थ्रू वो हमारे स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक हेल्प इन डाइजेस्टिंग टू द फूड। ओके, कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्टमक में, स्टमक से प्रोड्यूस करते हैं हेल्प टू डाइजेस्टिंग फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो स्टमक के थ्रू उनको हेल्प करते हैं। लिवर एंड पैनक्रियास ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा लिवर होता है, ओके, लिवर हमारा इस साइड कहीं होता है, ओके, इस साइड कहीं पे होता है, तो जो हमारा लीवर होता है, हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं, वो भी सीक्रेटली हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 3 to 4 hours। ओके, हमारा जो फूड होता है वो हमारे स्टमक में कहाँ रहता है, कितने घंटों तक रहता है, 3 to 4 hours। कितने टाइम रहता है, 3 to 4 hours। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द स्टमक, पेट से जो है खाना निकलता है, टू द फूड गोज इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में खाना पेट से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा उसमें जाता है। ओके, द फूड इज डाइजेस्टेड कम्प्लीटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड होता है पूरा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, उसके बाद में कहता है, द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड एंड सर्कुलेट टू बॉडी एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो फूड होता है हमारा वो डाइजेस्ट हो गया है, अब वो फूड जो है ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद में वो सर्कुलेट करता है, यानी कि चारों तरफ पहुंचा देता है, फैला देता है, टू द सेल ऑफ एवरी बॉडी। हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के हर एक जगह पर वो सेल को वो पहुँचाना शुरू कर देता है। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होता है वो क्या होता है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वाटर इज ऑब्जर्व हेयर, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जो भी वेस्ट होता है ना हमारी बॉडी का, यानी कि जो अनडाइजेस्टिव होता है, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद में वहाँ पर वाटर होता है, पानी होता है, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, दे आफ्टर सॉलिड वेस्ट इज थ्रू आउट फ्रॉम द एनस, और उसके बाद में जो सॉलिड जो बचता है वो हमारे एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ओके, आप जो पॉटी करते हो उसके थ्रू, मतलब जो पॉटी करते हैं हम, वो हमारा वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी को हमारा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, वो वही चीज़ होता है, वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है।
ओके अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द फूड दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिशंस, जिस फूड के अंदर सारे ही न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वाटर एंड रफेज, और वाटर भी होता है रफेज भी होता है, इन द राइट अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, जिसके अंदर वाटर भी हो सही मात्रा में, रफेज भी हो सही मात्रा में, ओके, जिसमें सारे ही न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, वो हमारा बैलेंस डाइट होता है। ठीक है, पीपल हु डू नॉट ईट इनफ फूड सफर फ्रॉम, जो भी लोग जो खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं, पूरा खाना जो नहीं खाते हैं, वो मल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, यानी कि उनको मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये एक तरीके की बीमारी होती है। ओके, मल न्यूट्रिशन लीड्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, जिससे कि लोगों की बॉडी के अंदर जो है बहुत अलग अलग तरीके की डिजीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि बीमारियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट देख लेते हैं, ग्लूकोज इज़ अ काइंड ऑफ शुगर विच गिव इंस्टेंट एनर्जी टू द पीपल हु सफर फ्रॉम वीकनेस एंड डिजीज। कि ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, वो एक तरीके का शुगर होता है या मीठा होता है, जिससे उसको खाने से हमें तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है, और हमारी बॉडी जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है या हमें ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हो रही है, तो वो उससे जल्द ही उसको बहुत जल्दी जो है हमें उससे राहत मिल जाती है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय सिर्फ ग्लूकोज ही खाते रहो, इसको सही मात्रा में, हम जो भी चीज़ें खाते हैं ना उसको हमें एकदम सही मात्रा में खाना है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ओके, ये आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा, ORS बनाने का पूरा मेथड है कि ORS आप कैसे बना सकते हैं, जैसे कि टेक 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर हमें लेना है, उसके अंदर 6 स्पून हमें शुगर डालनी है, 1/2 स्पून हमें सॉल्ट डालना है, एंड मिक्स करना है जूस के साथ में, अगर आप फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं जूस, अगर आपको डालना है मिक्स कर लीजिए, और आपका ORS जो है वो रेडी हो गया है। दिस सॉल्यूबल कैन बी गिवन टू द पर्सन अफेक्टेड बाय डिहाइड्रिया या वेरी every 10 minutes। ओके, जिन भी आदमी को डिहाइड्रिया हो जाता है उनको आप इन हर 10 मिनट बाद उसको दे सकते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसकी जो है वर्कशीट्स भी मेरे पास में हैं, जिनमें कि क्वेश्चन आंसर, फिल्ड ब्लैंक्स या राइट रॉन्ग वगैरह जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस तरीके के मेरे पास में वो है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।